नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा में समाचार में फिर से एक बार। दोस्तों कल मैं आपके लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका था, इसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली कल कोई खास न्यूज भी नहीं थी, तो बिना बात के कोई वीडियो बनाना मुझे भी सही नहीं लगा। और दूसरा एक कारण ये भी था कि कल शाम को मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, क्योंकि शाम को यार मैं रात को 10 से 12 वीडियो बनाता हूँ और सुबह उसे अपलोड करता हूँ, तो कल शाम को मेरा तब स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं दे सका। लेकिन जैसे ही सुबह मैं अपने स्कूल पहुंचा और एक दो फोन आने लगे और पता चला कि एक खबर आई है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 1.5 से 2 गुना होने जा रहा है, तो जब इस संबंध में मैंने घर आकर जांच पड़ताल की तो इतने मैसेज मिले, इतने कमेंट मिले कि काफी कुछ चीजें इसमें वाद विवाद वाली रहीं। किसी का कहना है कि बात झूठी है, किसी का कहना है ये बात सच है, क्योंकि सच इसलिए भी मानते हैं लोग क्योंकि ये एक अखबार में छपी हुई खबर है जो कि राजधानी से ही छपी है, और एक रिपोर्टर ने अखबार में जब छापी है तो किसी न किसी विभाग के सूत्रों द्वारा ये प्राप्त की हुई खबर होगी। तो उम्मीद की जा रही है कि जब लखनऊ से ही अखबार में ये खबर छपी है तो ये जहाँ तक सच होगी। तो इसमें कहा गया है कि जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उनके अनुसार शिक्षा मित्रों का मानदेय 1.5 से 2 गुना कर दिया जाएगा आपको। तो अब आपको ये बताएं कि 1.5 से 2 गुना का मतलब यही होता है कि या तो 15,000 या 20,000 कर दिया जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप पे देखिए, सोशल मीडिया का देखिए कि 15 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ और आगे पता नहीं कितना बढ़ता रहा। शाम तक ये शिक्षा मित्रों का मानदेय 30,000 तक करने की खबरें सोशल मीडिया पर अपलोड होने लगी। तो दोस्तों काफी संगठन ने इसके संबंध में सूचनाएं देना शुरू किया कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी हाई पावर कमेटी जो हुई थी उसकी केवल एक बैठक हुई है जिसमें वित्त और न्याय विभाग को सूचना दी गई है और उनसे कहा गया है कि आप इससे संबंधित कोई निर्णय लीजिए। तो अभी उन्होंने तो कोई प्रस्ताव सरकार के सामने रखा भी नहीं है, जब वो प्रस्ताव रखेंगे तभी सरकार कोई निर्णय ले पाएगी। तो फिलहाल अगली जो बैठक है हाई पावर कमेटी की, तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है कि आखिरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय कितना बढ़ेगा। अब हम बात मानदेय की कह रहे तो मानदेय शब्द सुनकर भी शिक्षा मित्र संतुष्ट नहीं है। बात मानदेय बढ़ने से क्या संबंध है कि बात मानदेय की ही है कि हमें मानदेय ही नहीं चाहिए, हमें पूरा वेतनमान चाहिए, यानी कि अपग्रेड पैरा टीचर का मान। जो महादेवी जी के धरने की मुख्य मांग है कि हमें अपग्रेड पैरा टीचर का मान चाहिए जो कि लगभग 30,000 से ज्यादा का है, वो चाहिए। और वेतन नाम नहीं, वेतन नाम चाहिए, हमें मानदेय तो चाहिए नहीं, क्योंकि 12 महीने का तो वेतन ही मिलेगा, मानदेय 12 महीने का ये नहीं दे पाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से हम आपको बताएं कि ये कहा जा रहा है कि सरकार अब जल्द ही इसको निस्तारित करेगी, समस्या को निस्तारित करेगी और शिक्षा मित्रों के लिए विकल्प ढूंढ लेगी। टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए उत्तराखंड मॉडल और जो नॉन टेट पास शिक्षा मित्र होंगे उनको एक सम्मानजनक वेतनमान देकर, या हम कह सकते हैं उसको मानदेय देकर जो लगभग शिक्षक की सैलरी के बराबर होगा, कि मानदेय देकर उनको 62 वर्ष तक नियमित करेगी। दोस्तों इसमें तर्क वगैरह हम काफी करें तो तर्क तो बहुत निकलते हैं कि अनुदेशकों का 17,000 का मानदेय अभी तक नहीं दिया, जबकि हाई कोर्ट का भी ऑर्डर उनके पास है, वो जिला कमेटी के द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं, जिला मेरिट के द्वारा आए हुए हैं। जो कमियां शिक्षा मित्र चयन में रही जिसकी वजह से ये समायोजन निरस्त हुआ, वो सारी कमियों को दूर करते हुए अनुदेशक नियुक्त हुए हैं, उनका मानदेय 17,000 है, तो शिक्षा मित्रों का 30,000 कैसे होगा। लेकिन जो इसका जवाब है, जो इसका पुख्ता सबूत है, वो ये कि अनुदेशक ट्रेंड नहीं है हम, यानी शिक्षा मित्र 2 साल की बीटीसी करे हुए ट्रेंड टीचर हैं, इसलिए उन्हें अपग्रेड पैरा टीचर मान दिया जाएगा। तो सरकार ऐसा नहीं है, शिक्षा मित्रों को मानदेय नहीं दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है और इतना वेतनमान भी दे सकती है। इसी के संबंध में लास्ट में जितेंद्र साही जी की एक पोस्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जितनी भी मानदेय वाली बातें चल रही हैं उस मानदेय वाली बातों को आप नजरअंदाज कीजिए, ऐसा अभी कुछ नहीं है, जब तक कमेटी की बैठक तय नहीं हो जाएगी तब तक हमारा ऐसा आगे कहना कुछ भी संभव नहीं होगा। तो उनका कहना है कि हाई पावर कमेटी की 18 अगस्त की कमेटी की जो बैठक थी वो अब निरस्त कर दी गई है,
18 तारीख को हाई पावर कमेटी कोई भी बैठक नहीं होगी 18 अगस्त को, वो बैठक अब 20 अगस्त को होगी। आए अठारह बताते हैं, अगर 18 अगस्त को कोई अवकाश है इस वजह से वो बैठक नहीं हो सकेगी और इसलिए उसको 20 अगस्त कर दी गई है। 20 अगस्त को ही बीएड टेट 2011 और शिक्षा मित्रों से संबंधित पूरा प्रस्ताव तैयार करके ये लगभग ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। हम मानते हैं कि इसको पूरा होने में भी समय लगेगा, दो तीन बैठक और हो जाएंगी और संभावना ये जताई जा रही है कि 5 सितंबर को यानी शिक्षक दिवस को योगी महाराज जी माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ऐसी घोषणा कर सकते हैं, कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर सकते हैं और शिक्षक दिवस पर शिक्षा मित्रों को खुशियां दे सकते हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि अब आगामी बैठक 20 अगस्त को होगी, तो 18 अगस्त नहीं, हाई पावर कमेटी की कोई डेट है अब 20 अगस्त हो गई है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 15,000 मानदेय को लेकर हमारे साथी बहुत चिंतित हैं, विचलित दिखाई दे रहे हैं और इस संबंध में हम आपको बता दें कि अभी तक किसी भी प्रकार के मानदेय का कोई भी लिखित ना तो प्रस्ताव शासन में है और ना ही ऐसा कोई अभी प्रारूप तैयार हुआ है। इसलिए आप लोग भ्रमित ना हो और निश्चित रहें, हमारा प्रयास स्थायी समाधान के लिए है। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों के भविष्य को उज्जवल अवश्य किया जाएगा और जो भी दिया जाएगा वह स्थायी हल निकाल कर दिया जाएगा। तो उनका कहना है कि मानदेय भी नहीं, हम तो वेतन मान लेके रहेंगे और शिक्षा मित्रों के लिए स्थायी हल निकालेंगे। तो ये कहना है जितेंद्र शाही का, जो कि उत्तर प्रदेश आदर्श माई शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों इसके अतिरिक्त एक और मैसेज हमें मिला जिसमें टीईटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्र संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हृदय दुबे जी ने कहा है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय की क्या स्थिति है इसको अगर हम बाद में देखें। तो पहली बात उन्होंने ये कह दी कि रिजल्ट जो 40 से 45% पर रिजल्ट जारी हो रहा है उसमें पीएनपी द्वारा कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा, लेकिन सरकार को 68,506 के पदों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्रम में भर्ती का विज्ञापन निकालना है, परंतु कट ऑफ 40 से 45 पर मात्र 20,000 अभ्यर्थी ही पास हो रहे हैं। इसलिए वो पुनः कोर्ट में ये काउंटर लगाएगी कि इतने पद होने पर केवल 20,000 हमें अभ्यर्थी मिले हैं और हमें सारी भर्ती करनी है, पूरे सभी रिक्त पद भरने हैं, तो दोबारा से काउंट लगाए कि हमें मेरिट गिराने की अनुमति दी जाए ताकि हम इन पदों पर योग्य प्रतियों को फिर से दाखिल कर सकें। तो उनका कहना है कि 40 से 45% के बाद फिर से कट ऑफ गिरेगा और 30 से 33% पर आएगा और फिर जो शेष शिक्षा मित्र हैं वो सभी शिक्षक बन जाएंगे। ये कहना है हृदय दुबे जी का। और उनका ये भी कहना है कि मानदेय जो भी रहेगा 17 से 20 हजार के आसपास का जो मानदेय रहेगा, लेकिन मेन है कि 62 वर्ष तक सेवा जरूर रहनी चाहिए। उनका तो ये भी दावा है कि आगामी दो भर्तियों में भारंग भले ही शिक्षा मित्रों को ना मिले, लेकिन उसके बाद जितनी भी शिक्षक भर्तियां होंगी उसमें 20% का कोटा शिक्षा मित्रों के लिए फिक्स कर दिया जाएगा। हमें ऐसी बातों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जो सरकार अभी वर्तमान में ही शिक्षा मित्रों को कुछ नहीं दे रही है उसके लिए आगामी दो भर्तियों के बाद की बातें करना अभी बेवकूफी होगी कि वो कितना परसेंट कोटा देगी नहीं देगी। जो भविष्य निर्धारण करना है सरकार को भी करना है, चाहे वो एक भर्ती की बात हो चाहे दो भर्ती को, उससे आगे की हमें सोचना ही नहीं है। और ये थी खबर उनकी टीटी शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश की। लेकिन अब हम बात करें, जो एक खबर आई थी ये है हमारे पास हिमाचल हाई कोर्ट में। हिमाचल हाई कोर्ट ने कहा है कि समय पर वेतन ना दिया जाए तो ब्याज भी देना होगा। ये भले ही शिक्षा में से जुड़ी हुई खबर नहीं है और ये एक अध्यापक यानी कि वेतन से जुड़ी खबर है। इस हाई कोर्ट का कहना है, हिमाचल हाई कोर्ट का, कि अगर कोई सरकार शिक्षकों को वेतन 2 या 3 महीने या 4 महीने की देरी से देती है तो उसको उसका ब्याज भी देना होगा। तो सोचिए कि जब अगर ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरे देश में कर दिया जाए तो जो बेसिक के शिक्षा मित्र हैं उनको मानदेय 6 6 महीने का रोक के दिया जाता है, शिक्षा मित्रों को मानदेय 2 2 3 3 महीने का रोक के जाता है, कभी कभी अध्यापकों को मानदेय भी 2 या 3 महीने रोक के दिया जाता है। तो उनको अगर ब्याज लगा के देना पड़ेगा तो सरकार कोई ना कोई ऐसी कार्यशैली बनाएगी कि हर महीने शिक्षक शिक्षा मित्र या संविदा कर्मियों का मानदेय समय से जारी हो सकेगा। तो देखते हैं कि ऐसे आदेशों का भविष्य में क्या रूप निकलता है, क्या फायदा निकालते हैं। तो ये थी खबरें और आपको
जो आज सुबह ही अखबार में आई थी कि शिक्षा मित्रों के लिए खोजा जा रहा है बीच का रास्ता, ये भी एनबीटी ब्यूरो लखनऊ से छपी थी, इसलिए लोगों ने इस पर ज्यादा विश्वास किया। और ये सच हो भी सकता है, अभी हम कह नहीं सकते क्योंकि लखनऊ से छपी खबर है। और शिक्षा मित्रों का मानदेय 1.5 से 2 गुना तक बढ़ाने की तैयारी की गई, ये खबर थी एनबीटी ब्यूरो लखनऊ से, इसलिए उनका जो विश्वास है वो सही बना रहेगा। लेकिन दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे कि जो भी स्थिति होगी हम जल्द ही आपको अपडेट कराएंगे, और लेकिन झूठी अफवाहों से थोड़ा बच के रहें, दिलासा से थोड़ी रखें, क्योंकि अभी हाल ही में इस चीज को लेके कुछ भी कहा हो, चाहे सच्चा में दुखी हुआ हो चाहे खुश हुआ हो, लेकिन मानदेय बढ़ोतरी को लेके जो कि सोशल मीडिया पर सुबह से आ चल रही है, पर शिक्षा मित्रों ने वो खूब मजे लिए हैं और सेंसेक्स की तरह रेटों को बढ़ते हुए दिखाया गया कि सुबह जो मानदेय 15,000 था अभी 20,000 हुआ, फिर धीरे धीरे वो 30,000 हुआ, फिर वो 38,878 हो गया। तो इस तरीके से काफी आज व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर चहल पहल रही। तो चलिए जो भी हो, शिक्षा मित्रों के चेहरों पर कम से कम कुछ देर के लिए खुशियां तो आई इस खबर से, जो भी शिक्षा मित्र खुश हुए हैं, लेकिन वो थोड़ा अपने हृदय को संभाल के रखें, क्योंकि सरकार तो बहुत कुछ देने जाती है लेकिन करती कुछ नहीं है, लेकिन उम्मीद इस बार है तो कुछ ना कुछ होगा। तो दोस्तों शिक्षा में समाचार में बस मैं आज इतना ही बताऊंगा, लेकिन आगे भी मैं जल्दी आपको एक अपडेट और दूंगा शिक्षा में से संबंधित। तो उसके लिए अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में दबाइए बेल आइकन को भी, साथ के साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए कि आखिरकार सरकार क्या करना चाहती है। हम जानना चाहते हैं आपके विचार, तो लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में और मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूँ आपका साथी गोपाल सिंह, नमस्कार।